गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स में क्लास वन या आपकी जनरल इंग्लिश की बुक है, ओके, उसमें है कंटेंट्स में। देखो हम आज पढ़ेंगे रीड एंड लर्न वन एंड रीड एंड लर्न टू, दो चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको आज की डेट मानी है 3/7/21, ओके बच्चों। यहाँ पर रीड एंड लर्न फर्स्ट यूनिट है आपका, पेज नंबर 3 पे है। देखो इस साइड है वन, ओके, वन चीज़ है और इस साइड है मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ओके। तो वन है अ शूज, क्या है बच्चों, शूज, और यहाँ पर शूज, फिर एक सॉक्स है तो अ सॉक्स, सॉक, और यहाँ पर सॉक्स, ओके, एस लगा हुआ है, देखो पीछे एस ओ सी के, तो ये एस ओ सी के सॉक। फिर ये है अ लेग, ये लेग्स, यहाँ पर एन आई आईज, फिर एक है कान तो एन ईयर, मोर देन टू, मोर देन वन, दो कान हैं तो ईयर्स, ओके। फिर यहाँ पर अ पेंसिल और पेंसिल्स, फिर अ बनाना बनानास, ओके। फिर यहाँ पर एन एप्पल और एप्पल्स, समझ में आया बच्चों। देखो यहाँ पर है एक एक चीज़ हो तो उसके आगे ए लगता है, अ सूज, अ सॉस, अ लेग, और यहाँ पर आइस, यहाँ पर एन लगा हुआ है, देखो बच्चों एन, इसमें भी एन, अ पेंसिल, अ बनाना एंड एन एप्पल। तो आप फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर सूज, सॉक्स, मतलब कि एक से ज़्यादा हो चीज़ तो शूज, सॉक्स, लेग्स, फिर आइस, ईयर्स, पेंसिल्स, बनानास, ओके, फिर एप्पल्स। तो एक से ज़्यादा चीज़ हो तो एस लगता है पीछे, ओके, यहाँ पर एस एच ओ ई, शूज है तो शूज, एस लगा है ना पीछे, ऐड कर देना है एस, शूज़ के पीछे एस लगाने से एक से ज़्यादा हो गए, ओके, सॉक्स तो एस, यहाँ पर लेग्स और फिर आइस, अंडरस्टैंड। फिर एप्पल, एन एप्पल, एक एप्पल है तो एप्पल, एन एप्पल, और एक से ज़्यादा है, देखो यहाँ पर फोर एप्पल है तो एप्पल्स, एस लग गया है, ओके। फिर यहाँ पर बनाना, अ बनाना, एक बनाना है तो बनाना बी ए एन ए एन ए। फिर यहाँ पर मोर देन, मतलब एक से ज़्यादा है तो अ बनाना बी ए एन ए एन एस, ओके। फिर यहाँ पर अ पेंसिल, पेंसिल्स, एन ईयर, ईयर्स, ओके, एक से ज़्यादा है इसलिए, ओके, दो कान हैं, देखो यहाँ पर ईयर्स। चलो बच्चों देखो, आप सोच रहे कि यहाँ पर अ लगा हुआ है बट यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ का नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, ई से स्टार्ट हो रहा हो और आई से स्टार्ट हो रहा हो, ओके, ओ से स्टार्ट हो रहा हो और यू से स्टार्ट हो रहा हो, ओके, तो इन सारे नेम के, मतलब कि ए फॉर एप्पल, ओके, एप्पल से स्टार्ट हो रहा है तो इनके आगे, नेम के आगे एन लगाना है, क्या लगाना है बच्चों, एन लगाना है, समझ में आया। और सारे ये है वॉवेल्स, ओके, ए ई आई ओ यू, तो जो इनके नेम, जो नेम इनसे स्टार्ट हो रहा है, लाइक अ एप्पल, आई, और ये है ईयर, ओके, देखो ई में इसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर इसे आई है तो इसे स्टार्ट हो रहा है, एंड एप्पल है तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इनके आगे ए लगेगा, क्या लगेगा ए, ओके, एक चीज़ हो तो,
अगर एक एक से ज़्यादा हो तो पीछे एस लगाना है, लास्ट में क्या लगाना है, एस लगाना है। समझ में आए बच्चों? अभी ये आपको क्या करना है, ये सारी पेज, ये पूरा पेज आपकी नोटबुक लेनी है कि उसमें राइट करना है। चलो फिर नाउ से एंड राइट दिस वर्ड एट, क्या पढ़ेंगे इसे, एट, BAT बैट, CAT कैट, HAT हैट, MAT मेट, RAT रेट, फिर नेक्स्ट CAP कैट, MAP मेट, TAP टैप, MAN मैन, CAN कैन और FAN फैन। अंडरस्टैंड? अभी आपको मैंने बोला कि क्या आपको होमवर्क करना है, तो आपको एक जनरल इंग्लिश की नोटबुक लेनी है, उसमें हेडिंग देना है यूनिट नंबर 1। क्या हेडिंग देना है बच्चों? यूनिट नंबर 1, रीड एंड लर्न, रीड एंड लर्न 1, और यहाँ पर डेट राइट करनी है, ओके। फिर यहाँ पर आपको 1 एंड मोर देन 1, मोर देन 1, ओके। ये दो पार्ट करना है, पहले लिखना है अ सूज, पहले क्या लिखेंगे, अ सूज, सेम ही देख के यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर मोर देन में सूज ई और ए एस, ओके, ई एस डालना है। फिर सेकंड क्या है, सॉक्स, तो अ सॉक, यहाँ पर लिखना है अ एस ओ सी के सॉक, और यहाँ पर सॉक, ओके। फिर नेक्स्ट है, एक ही चैप्टर में राइट करके दिखाऊंगी, बाकी के चैप्टर आपको ही लिखना है इस तरह से, ओके। फिर अ लेग, एल ई जी लेग, और फिर लेग्स। नेक्स्ट है ई वाई ई एन आई, क्यों यहाँ पर आई एन लगा, क्योंकि ये वॉवेल्स है, ई वाई ई, ई से स्टार्ट हो रहा है, ओके, आई और आईज, ओके। नेक्स्ट है एन ईयर, ई ए आर ईयर, और यहाँ पर ईयर्स, ई ए आर एस ईयर्स, ओके। फिर नेक्स्ट है अ पेंसिल, पी ई एन सी आई एल पेंसिल, तो यहाँ पर पेंसिल, बहुत सारी पेंसिल्स हैं तो पेंसिल्स, ओके। एस लगा है, इसका मतलब एस के नीचे अंडरलाइन कर दो यहाँ पर, ओके, क्योंकि आपको ये अलग दिखाना है, ओके, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पर लास्ट वन है अ बनाना, बी एन ए एन ए अ बनाना, और यहाँ पर मोर देन बनाना हो एक से ज़्यादा तो एन बी ए एन ए एन ए एस बनानास, ओके। फिर यहाँ पर एन एप्पल, एन ए डबल पी एल ई एप्पल, ओके, तो यहाँ पर एप्पल्स, ए डबल पी एल ई, यहाँ पर लास्ट में एस, मतलब कि एक से ज़्यादा एप्पल, यहाँ पर एस पे अंडरलाइन करना है, ओके,
एक चीज़ के लिए और मोर देन एक से ज़्यादा हो तो, ओके अंडरस्टैंड। फिर आपको से एंड राइट वाले वर्ड यहाँ पर एक वर्ड तीन तीन टाइम लिखना है, ओके। फर्स्ट है यहाँ पर हेडिंग देना है से एंड राइट, फर्स्ट है ए टी एट, ए टी एट, ए टी एट कितने टाइम, तीन टाइम, ओके। फिर नेक्स्ट वर्ड है बी ए टी बैड, बी ए टी बैड, बी ए टी बैड, बी ए टी बैड। फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है, थर्ड स्पेलिंग लिखना है सी ए टी कैट, क्या पढ़ेंगे सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, सी ए टी कैट। फिर यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ अ लाइन। फिर यहाँ पर एच ए टी हैट, एच ए टी हैट, एच ए टी हैट। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। नेक्स्ट जाएंगे एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हैं आपके टेक्स्ट बुक में से लिखवा रही हूँ, ओके। यहाँ पर मेट लिखा हमने आर ए टी रेड, यहाँ पर लिखना है आर ए टी रेड, आर ए टी रेड, आर ए टी रेड, तीन टाइम हो गया। लाइन ड्रॉ करो और आगे की स्पेलिंग लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट है ये है सी ए पी कैप, यहाँ पर लिखेंगे सी ए पी कैप, सी ए पी कैप, पढ़ते जाना है लिखते जाना है सी ए पी कैप, सी ए पी कैप। फिर है एम ए पी मैप, नेक्स्ट कौन सा स्पेलिंग है एम ए पी मैप, यहाँ पर लिखना है एम ए पी मैप, एम ए पी मैप, एम ए पी मैप। नेक्स्ट है बच्चों स्पेलिंग, ओके। फिर यहाँ पर टी ए पी टैप, एम ए एन मैन, सी एन कैन और फैन, तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे टी ए पी टैप, टी ए पी टैप, टी ए पी टैप। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे एम ए एन मैन, एम ए एन मैन, एम ए एन मैन, ओके। फिर नेक्स्ट है एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट, एम ए टी मैट। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर सी ए एन कैन, सी ए एन कैन, सी ए एन कैन, सी ए एन कैन। और फिर लास्ट वन इज एफ ए एन फैन, एफ ए एन फैन और एफ ए एन फैन। अंडरस्टैंड इट,
बच्चों तो ये हमारा चैप्टर वन ख़त्म हुआ। ओके, रीड एंड लर्न। इस तरह से आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है, टेक्स्ट बुक में तो करना है और नोटबुक में भी राइट करना है। ओके, और इस तरह से आपको चैप्टर वन कंप्लीट रीड एंड लर्न कंप्लीट कर देना है। ओके, फिर हम नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। ओके, नेक्स्ट सैटरडे। ओके, रीड एंड लर्न टू, अंडरस्टैंड। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।